नमस्कार अमरीन, आप देख रहे हैं स्टूडियो पाठशाला, आपसे का बहुत बहुत स्वागत है। बहुत दिनों बाद मुलाकात हो रही है। अच्छी बात यह है कि काफी लोगों से मुलाकात यूनिवर्सिटी में हुई, बहुत अच्छा लगा मिल आप सभी से। और अभी बहुत सारी गुड विशेस से मिठाइयाँ और कुछ बहुत अच्छी अच्छी चीजें मुझे मिली, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो कहने का मतलब ये है कि अभी आप लोग फाइनली BHO में आ चुके हो, आपके पास एक जो आपका सपना था वो पूरा होने जा रहा है, हो चुका है फाइनली। अब आगे अपना जो करियर बनाना चाहते हो, आपको प्लेटफॉर्म मिल गया, बनाओ बेसिकली, ठीक है। वीडियो बहुत दिन बाद आपको मिल रहा होगा मेरा, क्योंकि हम लोग अभी शूटिंग में पूरा टाइम दे रहे हैं। यूजी पीजी जो हमारा कमिंग सेशन है 2025, यानी आप में भी अगर कोई ऐसा हो जो तैयारी करना चाहता है तो ज्वाइन कर सकता है। ये जो नंबर यहाँ पे दिख रहा है, इस नंबर पे बेसिकली आपको व्हाट्सअप करना है, कॉल बैक चला जाएगा। कोर्स के लिए बस अपना नेम और कोर्स लिख दो बस। और कोर्स फी जो है अप्रोक्स हम लोग बहुत ही पूरे कंपेरिजन करें कोचिंगों में तो सबसे कम और अच्छी क्वालिटी के साथ, यानी बच्चों को पर्सनल मेंटर्स प्रोवाइड किया जा रहा है सब्जेक्ट्स वाइज, तो अपने आप में बहुत अच्छा बेहतर है। लेकिन अभी कोर्स लॉन्चिंग का वीडियो नहीं, इसलिए मैं कोर्स बारे में नहीं बता रहा हूँ। बेसिकली अगर कोर्स ज्वाइन करना है आपके आजू बाजू में कोई है तो आप उसे रिकमेंड कर सकते हो। अब यहाँ भी जो वीडियो है ये किसके अबाउट में है, तो BHU में अभी भी, यानी जो बैच अभी 24 में आया है, इनमें कुछ सीटें खाली हैं या कुछ सीटें अभी मॉपअप राउंड के थ्रू भरी गई, तो बच्चों के पास डाउट है बेसिकली, तो ये डाउट क्लियरिंग एक वीडियो है। मैं चाहूंगा आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखें और जो जो मैं बता रहा हूँ आप ध्यान से सुने। और कुछ कभी कभी ना आप लोग पास इमरजेंसी सिचुएशन होता है बहुत, कि जल्दी से मेरे से कोई बात कर ले और ये मेरा डाउट क्लियर हो जाए, तो ये जो नंबर है काउंसलिंग वाले का भी नंबर है, ठीक है। इस नंबर पे बेसिकली आपको बस मैसेज करना है, आपको एक फॉर्मेट मिल जाएगा उसको फॉलो कर लेना, आपको खुद कॉल बैक जाएगा, ठीक है। तो आप बेसिकली इस नंबर से अपना इमरजेंसी में काउंसलिंग भी करा सकते हो ओनली ₹50 में, ठीक है। और ये पूरे 15 डेज का सब्सक्रिप्शन होता है, ठीक है। अभी यहाँ पे पहला डाउट जो है उसको क्लियर करते हैं कि BHU में जो PG के लिए लास्ट एक एडमिशन के लिए मॉकअप राउंड चलाया गया, ठीक है, उसमें कुछ बच्चों के जो नाम है ना वो वेटिंग में थे, बेसिकली लिस्ट में वेटिंग में थे। तो अब ऐसे में 1 मिनट, हेलो, हाँ बस एक क्लास लेके बस तुरंत फिर से हम मैसेज कर रहे हैं। तो BHU PG ये वेटिंग बेसिकली जो बच्चों का था उसमें क्लियर करना चाहूंगा, BHU PG एडमिशन ऑलमोस्ट कंप्लीट है, एकदम कंप्लीट, मतलब आप बच्चे आ चुके हैं अपना एडमिशन करा के फाइनली क्लास ले रहे हैं। भाई 1 महीने क्लास चल चुकी है इनकी, 1 महीने लगभग 1 महीने क्लास चल चुकी है, तो यहाँ पे उनकी कोई संभावनाएं नहीं बन रही है। लेकिन अब मैं आपको सिचुएशन बता देता हूँ कि वेटिंग का मतलब क्या होता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे डाउट में हैं वेटिंग काम कैसे करता है। सपोज किसी डिपार्टमेंट में कितनी सीटें थी, 10 सीटें थी, ठीक है, मॉपअप में कितनी सीटें आई, 10। अब उन्होंने जो लिस्ट निकाली उसमें इन्होंने कितना निकाला, 15 बच्चों का नाम, ठीक है, यानी 15 बच्चों का एक्स्ट्रा नाम उन्होंने निकाला। क्यों निकाला, क्योंकि उनको डाउट था कि जो 10 बच्चे हैं हो सकता है इसमें 5 बच्चा पेमेंट ही ना करें, या हो सकता है इसमें 2 बच्चा पेमेंट ही ना करें, या 1 बच्चा पेमेंट ना करें। तो ऐसे केसेस में वो जस्ट जो एक्स्ट्रा 5 बच्चे यहाँ पे हैं इसी में से किसी एक को, यानी उसी एल्गोरिदम में उसी मेरिट के अकॉर्डिंग पेमेंट भेज देंगे, ऐसा होता है। तो ये बेसिकली एक पूरा फॉर्मेट है जो हमें फॉलो करता समझना है वेटिंग के लिए। तो यहाँ पे आप मेरी जुबान से सुनना चाहोगे होगा कि नहीं होगा, तो मेरे साइड से उम्मीद खत्म है। लेकिन मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक टेलीग्राम का चैनल है उसे ज्वाइन कर लो, क्योंकि आज एक मीटिंग है, ठीक है, आज BHU में एक मीटिंग है, उस मीटिंग में फाइनल एक डिस्कशन निकल के जरूर आ जाएगा। वैसे मैं जहां तक अभी इसके बारे में कॉलिंग के थ्रू CSE से बात किया तो नो है, यानी PG में उम्मीद नहीं है लगभग, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं कल तक आपको बेसिकली वीडियो बना के नहीं लेकिन टेलीग्राम ग्रुप में जरूर बता दूंगा, ठीक है। UG क्या चल रहा है, UG की मॉपअप के आने की पूरी संभावनाएं हैं, लगभग 95% संभावनाएं हैं। लेकिन इसका जो पूरा प्रोसेस है, जो फॉर्मेट है, ऑनलाइन ऑफलाइन डॉक्यूमेंट्स कैसे लेना है, इसको हम लोग स्पॉट राउंड का या आगे का राउंड बना दे या इसको मॉपअप राउंड बना दे, तमाम जो डिस्कशन होने वाली है ये भी आज के ही मीटिंग में बेसिकली डिसाइड होनी है, जो कि अभी चल रहा है, ठीक है। ये मीटिंग अभी आज चल रहा है, इसी मीटिंग में फाइनली BHU UG के लिए जो सीटें बची हैं, काफी ज्यादा मात्रा में सीटें बची हैं, बहुत ज्यादा, आप उम्मीद भी नहीं कर सकते हो, हजारों की संख्या में सीटें बची हुई है। और इन सीटों को भरने के लिए मुझे लग रहा है कि BHU बहुत बड़ी भीड़ होने वाली है, तो एक संभावना है
मैं कोशिश करूंगा कि मैं पता करके ऑफिस लेवल बता दूंगा कि फाइनली कैसे भरी जाएंगे। डीडी और फी रिफंड, फी रिफंड के लिए भाई काउंसलिंग वाले का नंबर, फाइनली इसके सब्सक्रिप्शन ले लेना, क्योंकि मैं बता रहा हूँ फी रिफंड का प्रोसेस बहुत लंबा जाने वाला है। रोज रोज मैसेज करके पूछोगे तो बेसिकली हम भी परेशान हो जाएंगे। तो मैं चाहूंगा कि फी रिफंड के लिए आप लंबे समय तक इंतजार करो, अभी के लिए बस यही बोल पाऊंगा, क्योंकि ये यूनिवर्सिटी के पास भी फी रिफंड को लेकर कोई खास पॉलिसी नहीं है, मतलब उस पे वो लोग ठीक से काम ही नहीं करते। लास्ट ईयर भी बहुत ग्लिचेज हुआ था, बहुत ज्यादा परेशान किए थे, इस बार भी उम्मीद मैं नहीं कर सकता इनसे, लेकिन मैं ही आपको इसका वीडियो बना के जरूर दूंगा। तो मुझे थोड़ा सा समय दो, कोशिश करूंगा कि मैं जल्द से जल्द पता करके बताऊं कि फाइनली फी रिफंड, इवन हो सकता है ना फी रिफंड के लिए मुझे वीसी को लेटर भी लिखना पड़े, ऐसा भी हो सकता है, या कंट्रोलर को लेटर लिखना पड़े। सोच लो मतलब फी रिफंड के लिए इतना कुछ करना पड़ सकता है। फी रिफंड आज ही के दिन लास्ट है, मतलब फी रिफंड आप फ्यूचर में भी करा सकते हो, लेकिन उसमें डिडक्शन होगा। लेकिन यूजीसी के अकॉर्डिंग देखा जाए तो आज की डेट तक अगर कोई फी रिफंड किया है तो उसको 100% फी रिफंड किया जाएगा, बाकी उस पर डिडक्शन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे डीडी एक है, डीडी एक्चुअली कहाँ पे यूज हुआ था, तो जो बच्चे यहाँ पे एडमिशन लिए थे ना पीजी में आके, उनको ना 2000 रुपीज का डीडी लाके एडमिशन लेना पड़ा था। ऐसा आप लोगों में से बहुत लोग होंगे जो 2000 रुपए का डीडी लिए, अब वो इस बार में नहीं आए, उनका नाम नहीं, यानी लिस्ट में उनका नाम नहीं आया, लेकिन उन्होंने डीडी डिपार्टमेंट को दे दिया 2000 का। अब ये डीडी ले कैसे भाई, इसके लिए आपको अपने डिपार्टमेंट में कांटेक्ट करना है, अपने डिपार्टमेंट में कॉलिंग के थ्रू कांटेक्ट करो, मेलिंग के थ्रू कांटेक्ट करो, या आके कांटेक्ट करो, या कोई हो जानता तो उससे कांटेक्ट कराओ। और आपको ये डीडी डिपार्टमेंट के ऊपर है, किसी किसी केस में हो सकता है कि बाई हैंड दे दें, अदरवाइज आपको पोस्ट किया जाएगा आपके एड्रेस पे। ऐसा भी है आप कॉलिंग के थ्रू बात करके उनको एड्रेस दोगे तो वो आपको भेज भी सकते हैं। तो ये एक प्रोसेस होता है। डीडी का अपना टेन्योर होता है, शायद 2000, शायद 2 महीने या 3 महीने का टेन्योर होता है, उस पर लिखा रहता है बेसिकली। तो डीडी को लेके डिपार्टमेंट में बेसिकली आपको कॉन्टेक्ट करिए, ठीक है। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मुझे कुछ डिपार्टमेंट की कुछ चीजें अगर मिलती है तो मैं टेलीग्राम में बेसिकली आपको इन्फॉर्म कर दूंगा, टेलीग्राम आप लोग ज्वाइन कर लो, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, प्लीज एवरीवन डू लाइक एंड डू शेयर, सब्सक्राइब लाइक वीडियो, प्लीज वीडियो को शेयर जरूर करें, और कोर्स ज्वाइन करने के लिए डिस्क्रिप्शन इस नंबर पर आप व्हाट्सअप करिए, आपको कॉल बैक खुद जाएगा, ठीक है। तो बहुत सारी शुभकामनाएं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, हर हर महादेव, ओके।